होगी नेक्स्ट व्लॉग पे। तब तक दो में याद रखिएगा अल्लाह निगेबान, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दिएगा ताकि आपके फीडबैक का पता चलता रहे। और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही, ऊपर से इतना हैवी मैंने वो खा लिया पिज़्ज़ा, कि आज कज़न के साथ गया था तो कज़न ने छुरी फेर दी, यानी कि 50-50 हुआ ना। तो इंशाल्लाह ताला बाकी बातें अब होंगी नेक्स्ट व्लॉग पे, अल्लाह निगेबान। अस्सलाम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो व्लॉग है ना, मैं आपको बताऊंगा कि मोटरवे सियालकोट मोटरवे ने भी ना कर दिया स्टार्ट ऑनलाइन, या कह लें कि ई टैग और स्टार्ट कर दी। लेकिन वो सिर्फ जहाँ स्टार्ट हुई है वो है एंट्रेंस पे और एग्जिट पे, लेकिन ये डस्का जो इंटरचेंज है ये एंट्रेंस और एग्जिट दोनों में नहीं आता, ये इंटरचेंज समझ लें कि आया हुआ है। और अब डस्का इंटरचेंज मेरे पास है और यहाँ से हमें मिलेगी स्लिप, लेकिन कल मैं रात को गुजरा वापस जाऊँगा तब मुझे स्कैन किया हुआ फ्लैश ये स्लिप लेने लगा मैं, चाह लूँगा स्लिप वापसी पे बस ऑनलाइन। अलफ़ाम ये ली है जी मैंने सेंटर पे, इसलिए जो है ना ऑनलाइन इसको स्कैन नहीं किया जा रहा। टाइम देख रहे हैं 9:15 हो चुके हैं और 10 मिनट से मैं यहाँ से आउट हो जाऊँगा 10 मिनट के बाद। और आज डेट है 28/11/2021, यानी कि 28 तारीख है, संडे का दिन है, 11वां महीना नवंबर है और सन 2021 है। और जब रात को हम वापस जाएंगे तब यहाँ पे स्कैन करके हमें एंटर होने दिया जाएगा मोटरवे के ऊपर। अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ और 10 मिनट के बाद हम यहाँ से बाहर हो जाएंगे। और वापसी में मैं आपको बताऊँगा कि जो ऑनलाइन है या स्कैन कैसे की जाती है आपकी गाड़ी मोटरवे पे, एम मिला या स्कैन करते हैं लोग। और वहाँ पे ये है कि कोई भी का स्टाफ नहीं बैठा होता, उसने बस कैमरे में आपके जो नंबर को रीड करना है, रीड करने के बाद जहाँ पे भी आप उतरेंगे उनको पता चल जाता है ये गाड़ी यहाँ से एंटर, यहाँ से एग्जिट होगी। तो ये उनका सिस्टम बड़ा अच्छा है, करना चाहिए था। अभी इन्होंने सिर्फ किया एंट्रेंस और एग्जिट के ऊपर, इसके अलावा अभी तक इन्होंने M11 के ऊपर नहीं किया, लेकिन बड़ा अच्छा स्टेप है, ऑनलाइन जो है ना होना चाहिए था। वापसी भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी, आपको दिखाएंगे कि कैसे ये लोग स्कैन करते हैं। और वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर किया करें, आपके फीडबैक का पता चलता रहता है। और मेरी गाड़ी इस टाइम 100+ पे है, मुझे वैसे ड्राइव करने का अपना ही मज़ा आता है मोटरवे का। और ये गालिबा 120-140 के करीब है करोला। अस्सलाम फ्रेंड्स, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वापसी पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा मोटरवे का जो ई टैग है ना, ई टैग कह रहे हैं या ऑनलाइन जो है ना स्कैनिंग, वो ओपन हो चुकी है या इन्होंने स्टार्ट कर दी हुई है लास्ट 2 वीक पहले। टाइम इस टाइम 10 बजने वाले हैं और मैं सियालकोट मोटरवे से एंटर होने वाला हूँ। और सामने जो डस्ट पार्टिकल भी बहुत ज्यादा, और ये बहुत अच्छा काम किया, ये तकरीबन लास्ट वीक ये टूट चुकी थी मुकम्मल तौर पे, डैमेज हो चुकी थी, लेकिन अब ये रिपेयर कर दी गई क्योंकि ये नीचे शायद भी नाला, गंदा नाला है तो उसको रिकवर किया गया है, शायद बनी नहीं थी ठीक तो अब उसको रिकवर किया। अच्छा आते हैं, कम टू द पॉइंट, आज मैं आपको बताता हूँ कि सियालकोट से लाहौर के लिए जो इन्होंने लॉन्च किया है ना ऑनलाइन स्लिप वाला काम, यानी कि कंप्यूटर आपका जो नंबर है गाड़ी का वो स्कैन होता है तो सिस्टम को खुद ब खुद पता चल जाएगा जब आप किसी भी इंटरचेंज से एग्जिट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये दो जगह पर ये जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है, एक एंट्रेंस पर और एग्जिट पर। मैं यहाँ से सियालकोट से एंटर होने लगा तो मैं किसी भी से, फॉर एग्जाम्पल लाला मुसा सॉरी नौशहरा या जहाँ भी कहीं उतरूंगा तो उन्हें पता चल जाएगा थ्रू कंप्यूटर के ये गाड़ी कहाँ से एंटर हो, ये रेंजर्स जो है ना रेडी है, ये भी लाहौर जाने के लिए तैयार, सारी रेंजर्स है और पाकिस्तान आर्मी साथ है।
और अब आपको बताते हैं कि ये एम टैग है, ये भी मैंने स्टार्ट करवाना है यहाँ पे। लेकिन अब जो मेन पॉइंट है, आप जो देखेंगे कि कैबिन के अंदर कोई भी पर्सन नहीं होगा और सिर्फ स्कैन होगा मेरा नंबर, जो सामने जो स्क्रीन होगी ना रेड कलर की, उसको आप फोकस करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। उससे पहले ये गाड़ी को ये है, अब ये कैबिन खाली है और ये देखिए ये स्क्रीन और ये हो गई। अस्सलाम वालेकुम, स्कैन हो गया, थैंक यू सर। और ये हुआ एक अच्छा स्टेप है और काफी जो है ना वो मजे का लगा मुझे कि विदाउट स्लीपर। ये बेसिकली जो मुझे लगा कि स्टाफ को ना कम से कम करने के लिए किया गया, लेकिन एक अच्छा स्टेप है, ऑनलाइन कर दिया गया। किसी अब मैं डस्के या आगे डस्के से पहले आएगा क्या नाम है पसरूर, उसके बाद लाहौर आएगा, पसरूर भी उतरूंगा तो उनको पता चल जाएगा कि ये गाड़ी यहाँ से एंटर हुई थी और यहाँ उतर रही है। ये पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद कॉन्वॉय रेडी है सारे, तो ये भी लाहौर के लिए जा रहे हैं। और सेल फोन ऑफ करें, लेकिन मैं बड़ा गंदा हूँ इसके मामले में। तो LTV मेरी LTV है, वो 120 है, लेकिन मैं इतना जाऊंगा नहीं क्योंकि मजा नहीं आता। और अब बाकी बातें जो है वो उतरने के बाद आपको बताऊंगा कि कैसे ये स्कैन करके मुझे ये बता देंगे कि आपका कितना फेयर बना है, ठीक है ना, या आपका जो भी होगा वो ऑनलाइन मुझे बता देंगे। तो बुक करने के मैं 2008 और 9 से ना शावर मोटर यूज करूँ, तो तब ये सीन नहीं था होता। ये अब अच्छी बात है, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले ये लॉन्च किए इन्होंने, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और जो है अब ईजी कर दिया गया है और लाइट ऑन है और 10 बज चुके हैं और थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आज वर्किंग बहुत ज़्यादा हुई है वर्किंग। तो इंशाल्लाह उतरने के बाद आपको बताऊँगा फर्दर अपडेट इनके। मिलते हैं डस्का इंटरचेंज पर, थैंक यू। ले फ्रेंड्स, डस्का इंटरचेंज जो है ना वो आ चुका है और तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद, यानी कि 1 किलोमीटर के बाद हम एग्जिट हो जाएंगे डस्का की तरफ और मेरे वो सामने तकरीबन 500 मीटर के डिस्टेंस पे ये इंटरचेंज है और आपको दिखाएंगे कि विदाउट स्लिप हम कैसे आउट होंगे। जो है ना M11 गालिबन ये M11 ही है, तो ऑनलाइन जो है ना वो लॉन्च कर दी गई है सर्विस इनकी, जो है ना एंट्रेंस और एग्जिट पर, उसके अलावा अभी कहीं भी नहीं हुई। तो क्योंकि सुबह मैं जब डस्का इंटरचेंज सेंटर हुआ था तो मुझे स्लिप लेनी पड़ी थी, लेकिन अब जो है ना क्योंकि वो मेरी एंट्रेंस सालकोट था समरा इंटरचेंज एंट्रेंस थी, तो उसके लिए इन्होंने जो है ना अब जो है ना वो सिर्फ स्कैन किया मेरी गाड़ी के नंबर को और उसके बाद चल सो चल और अब मैं निकलूँगा बाहर। तो आई एम श्योर के जो है ना वो मजा आएगा आपको भी, ठीक है ना। और ये है जी इनका इंटरचेंज डस्का और ये देखें जी, मैं जस्ट उनके 20 रुपीज दूंगा ये सुपर पैसे में वैसे रख लें क्योंकि इनको पता होता है गाड़ी कहाँ से एंटर हुई है। अस्सलाम वालेकुम बॉस, कैसे हो, ठीक ठाक हो? अच्छा ये ऑनलाइन कब से हुआ है? दो हफ्ते हो चुके हैं, ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सर, ओके अल्लाह हाफिज। काफी अच्छा स्टाफ है और 2 हफ्ते हो चुके हैं ऑनलाइन को, तो अब मैं बाहर आ चुका हूँ और मुझे सिर्फ जस्ट पाकिस्तानी 20 रुपए ही देने पड़े हैं क्योंकि सियालकोट से डस्के का जो चार्जेस है वो 20 रुपए ही हैं, तो बाकी मुझे पता नहीं। और ये है आप स्मोक कह रहे हैं, ये धुंध कह रहे हैं, दोनों में से कोई एक तो है क्योंकि जो स्ट्रीट लाइट है ना वो आपको नजर आ रही होंगी कि धुंध की या स्मोक की ये शक्ल अख्तियार कर चुकी हैं। अब मुझे जाना डस्का सिटी, डस्का सिटी से फिर मैं जाऊंगा अपने शहर यानी कि सियालकोट से गुजरांवाला, यानी दोनों मेरे शहर हैं। तो अब मैं ये हो गया, वो सामने बोर्ड लगा तो हुआ, लेकिन मुझे जाना है डस्का, डस्के से फिर गुजरांवाला। और मुलाकात तब होगी नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक दो में याद रखिएगा अल्लाह निगेबान और
वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दिएगा ताकि आपके फीडबैक का पता चलता रहे। और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही, ऊपर से इतना हैवी मैंने वो खा लिया पिज़्ज़ा, कि आज कज़न के साथ गया था तो कज़न ने छुरी फेर दी, यानी कि 50-50 हुआ ना। तो इंशाल्लाह ताला बाकी बातें अब होंगी नेक्स्ट व्लॉग पे, अल्लाह के बाद।